गुलबर्गा शहर में फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन और स्कूल बिल्डिंग सेरेमनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल अरफात कॉलोनी में मौजूद है और यहां दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दी जाती है। एनुअल डे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ने इस्लामिक कल्चर पर कई सारे ड्रामे किए हैं, जिसको देख स्कूल मैनेजमेंट, चीफ गेस्ट के साथ पेरेंट्स काफ़ी खुश नजर आए। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट जनाब मौलाना हाफिज साजिद खौदरी, मोहम्मद ताहिर अली, मस्तान साहब, महबूब साहब, मोहम्मद ख्वाजा गेसुदराज और दीगर कई लोग यहां मौजूद थे। तमाम चीफ गेस्ट ने बेहतरीन अंदाज में दुनियावी और दीनी तालीम देने के लिए स्कूल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया है। With black ships all over, you know, I am the national animal of our country. I am the king of all ships, and you know that I wear great shirts of diamond A and C. फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल में सालाना प्रोग्राम में शिरकत हुई। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर मिसबाही साहब कुतला और हमारे रईस भाई का और दीगर अशरफ भाई, हाफिज अजहर साहब, दीगर जितने भी अराकीन हैं, मैं तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि फजल हक ये जो नाम है, अल्लाह तबारक व तआला इस शख्सियत का सदका भी यहाँ पर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो नई सोच, नई फिक्र लेकर इस बिल्डिंग का आगाज़ हुआ है, इस स्कूल का आगाज़ हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें बेपनाह बरकतें अता फरमाए, खैर का मामला फरमाए और जो भी तलबा यहाँ से तालीम हासिल करके निकले, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि इस स्कूल और जितने भी यहाँ के अराकीन और खिदमत गुजार हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर एक के दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और इस स्कूल को नजर बद से महफूज। सबसे पहले तो मैं फजले हक स्कूल के मैनेजमेंट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे मंच पर मुझे मधु किया और आपके सामने कुछ बोलने का मुझे मौका दिया। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस इंस्टीट्यूट को तरक्की दे। जैसा मौलाना ने दुआ की कि नज़र बद से भी बचे, मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह से कि इस स्कूल से नज़र बद से बचाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, और इल्म गोद से लेकर गोर तक सीखना चाहिए। गोद बोले तो छोटे बच्चे,
छोटे रहे जब से, गोल बोले तो खबर, इल्म कब तक सीखना चाहिए, खबर में जाने तक। मैं इब्तिदा में एक शेर बोला, क्या था वो, जिंदगी की बहार है तालीम, आदमी वो औरत का सिंगार है तालीम, जो है तालीम शौक से पाते, वो है दुनिया में नाम कमाते, वो है किसी का आजाद नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एनुअल डे में सालाना जलसे में बच्चों के मतलब की चीज बोलना पड़ता है। एक जगह सुनिए, नींद की धुनकी में या नींद की गुनूदगी में अगर होते हैं कि जिस तरह हम ईद के तौर पर खुशियां मनाते हैं ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के मौके पर, उसी तरह बच्चों के लिए यह खुशी मनाने का दिन होता है। और इंतज़ामिया फजल हक स्कूल के जिम्मेदारान और स्कूल के टीचर्स बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को उभारने के लिए कई एक एक्टिविटीज़, कई एक प्रोग्राम, कई एक ड्रामे, नगमे, गाने बच्चों को सिखाते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपके सामने आकर अपना परफॉर्मेंस यानी अपनी काबिलियत को जाहिर करते हैं। और यकीन जानिए, स्टेज पर आना, माइक पर आके बात करना हर एक के बस की बात नहीं रहती है। एक अल्लाह का करम, दूसरा टीचर्स की जिम्मेदारी, टीचर्स की मेहनत, टीचर्स की मेहनत की वजह से बच्चे यहाँ आकर आपके सामने जो है अपना परफॉर्मेंस, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, अपने छुपे हुए कैरेक्टर को पेश करते हैं। गुजारिश करता हूँ फजले हक स्कूल बनाने में, वाकई में बहुत जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मेरे जो टीम है, सेंटरिंग और मेसनरी वर्क, प्लम्बर, टाइल्स फिटर, ये लोग इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं। और हमारे रईस भाई जो कि ट्रस्टी है फजले हक के, मेरे भाई भी होते हैं तायरे, मेरा नाम अब्दुल्ला, इंजीनियर बेलिफ है मेरे तायर भाई, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मुझे इस मंच पर बुला के इतना शानदार। On behalf of management, I would like to gratitude my great thanks to all the parents, audience for making this occasion a wonderful one. And also I thank all the students for their wonderful performance. And I convey my grateful thanks to my team for their hard work. आज फजले हक स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम और 26 जनवरी का बहुत ही उम्दा किस्म का प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे कई सारे पेरेंट्स और हमारे स्कूल के बच्चे कई इस्लामिक जो है स्पीच दिए, अहादीस के ऊपर बात करे, और जो है कई कल्चरल एक्टिविटीज़, नेशनल सॉन्ग्स के ऊपर जो है देशभक्ति बताए अपनी, और प्रोग्राम बिल्कुल जो है बहुत अच्छा हुआ। आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। आज जो फजले हक स्कूल पे आए हम लोग एनुअल डे फंक्शन पे, यकीनन फजले हक स्कूल पे अल्लाह का फजल हुआ कि एनुअल फंक्शन जो है इतनी अच्छी तरीके से हुआ, बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छा था माशाल्लाह। तो ऐसे ही तरक्की करते रहे, मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी मैनेजमेंट को। बेहतर लगा बच्चों की जो है टीचर से अच्छे तालीम दी है। आज हम यहाँ फजले हक स्कूल में एनुअल गैदरिंग में हैं, माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हम फजले हक स्कूल के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये प्रोग्राम रहा एनुअल डे फजले हक स्कूल इंग्लिश मीडियम, जो माशाल्लाह एक अच्छे मेयार और अच्छे तालीम के साथ चल रहा है। आज फजले हक स्कूल में बहुत अच्छा जलसा किया गया है, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत, टीचरों की मेहनत की वजह से हमारे बच्चे आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस एज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स वर, अल्हम्दुलिल्लाह गुड डे। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके से फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल का एनुअल डे रखा गया था, उसमें शिरकत करने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह मैसर आया।
काफ़ी अच्छी बच्चों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जिंदा तो कोशिश रही। काबिले मुबारकबाद हैं फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल मैनेजमेंट कि इन्होंने इस इवेंट के ज़रिए से मुख्तलिफ़ इवेंट्स के ज़रिए से बच्चों में छुपे हुए वो स्किल्स वो खूबियाँ बाहर निकाल के एक सोसाइटी के लिए बेस्ट देने की कोशिश की है। यकीनन हमारे स्कूल्स में इस तरह की कोशिशें काबिशें होनी चाहिए कि जब तक बच्चों में छुपे हुए वो खूबियाँ को हम नहीं जानेंगे नहीं पहचानेंगे तो कौम मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं एक मरतबा और मेरी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक एनुअल डे मनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा और इसके लिए मैं तमाम मेरे मेहमान जो आए थे उनका और पेरेंट्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कामयाबी में तमाम लोगों की दुआएं हैं और हम इसी इसमें इस साल जो है ना ये नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए हैं तो इस पर जो है ना हमने ये सोचा है कि साल फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ में जो बच्चे हमारे पास एडमिशन लेंगे उनके लिए एक एग्ज़ाम होगा एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट में जो भी हमारे टेस्ट में जो भी पास होंगे उनके लिए जो है ना हम स्कॉलरशिप का भी ऐलान कर चुके हैं। मैं तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ कि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। साल फर्स्ट से सेवन्थ तक जो है ना स्कूल है फिर इंशाल्लाह आइंदा साल एट्थ नाइन्थ का इरादा है उसके बाद टेंथ का इरादा है। सबसे पहले तो मैं फजले हक स्कूल के मैनेजमेंट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे मंच पे मुझे मधु किया और आपके सामने कुछ बोलने का मुझे मौका दिया। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस इंस्टीट्यूट को तरक्की दे। जैसा बोला मैंने दुआ की है कि नजर बस से भी बचे, मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह से कि इस स्कूल से नजर बस से बचाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप और इल्म गोद से लेकर गोर तक सीखना चाहिए। गोद बोले तो छोटे बच्चे छोटे रहे जब से, गोद बोले तो खबर। इल्म कब तक सीखना चाहिए? खबर में जाने तक। मैं इब्तिदा में एक शेर बोला, क्या था वो? जिंदगी की बाहर है तालीम, आदमी वो औरत का सिंगार है तालीम, जो है तालीम शौक से पाते वो है दुनिया में नाम कमाते। वो है किसी का आधार नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एनुअल डे में सालाना जलसे में बच्चों के मतलब की चीज बोलना पड़ता है। एक जगह सुनिए, नींद की धुनकी में या नींद की गुनूदगी में अगर होते हैं कि जिस तरह हम ईद के तौर पर खुशियां मनाते हैं ईद उल फितर ईद उल अज़हा के मौके पर, उसी तरह बच्चों के लिए यह खुशी मनाने का दिन होता है। और इंतज़ामिया फजले हक स्कूल के जिम्मेदारान और स्कूल के टीचर्स बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को उभारने के लिए कई एक एक्टिविटीज़ कई एक प्रोग्राम कई एक ड्रामे नगमे गाने बच्चों को सिखाते हैं और वो छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपके सामने आकर अपना परफॉर्मेंस यानी अपनी काबिलियत को जाहिर करते हैं। और यकीन जानिए स्टेज पर आना माइक पर आके बात करना हर एक के बस की बात नहीं रहती है। एक अल्लाह का करम, दूसरा टीचर्स की जिम्मेदारी, टीचर्स की मेहनत की वजह से बच्चे यहाँ आकर आपके सामने जो है अपना परफॉर्मेंस अपनी काबिलियत अपनी सलाहियत अपने छुपे हुए कैरेक्टर को पेश करते हैं। गुजारिश करता हूँ फजले हक स्कूल बनाने में वाकई में बहुत जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मेरे जो टीम है सेंट्रिंग और मेसनरी वर्क प्लम्बर टाइल्स फिटर ये लोग इतना एक्टिवली काम करें और हमारे रईस भाई जो कि ट्रस्टी है फजले हक के मेरे भाई भी होते हैं तायरे, मेरा नाम अब्दुल्ला इंजीनियर बेलिफ है,
मेरे तायर भाई उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मुझे इस मंच पर बुला के इतना शानदार स्कूल का।